नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। किसी भी शख्स के लिए पेंशन बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है। बुढ़ापे में अपने लिविंग और बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करेंगे, इसको लेकर चिंता स्वाभाविक है। यही वजह है कि कई लोग अपनी कमाई के दौरान ही इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। सरकार की ओर से भी पेंशन के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि आप पेंशन योजना में मामूली रकम जमा कर अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। ऐसी ही एक योजना है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। कर्मचारी पेंशन योजना या एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है जो EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चलाया जाता है। EPS रिटायरमेंट डिसेबिलिटी सर्वाइवर विडो या विडोअर और बच्चों के लिए मंथली बेनिफिट देता है। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उन्हें EPFO 12 डिजिट का एक यूनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर या PPO नंबर रिलीज करती है और इसी के जरिए वो पेंशन हासिल कर पाते हैं। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संवाद के लिए भी इसी PPO नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। PPO नंबर पेंशनर्स की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है। बैंक की किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर PPO नंबर जरूरी होता है। इसके अलावा ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जाने के लिए भी PPO नंबर की जरूरत होती है। वहीं हर साल जीवन प्रमाण जमा करते वक्त भी PPO नंबर मेंशन करना होता है, इसलिए पेंशनर्स को इसे संभाल कर रखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप EPFO के पेंशनर हैं और आपको अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर नहीं मिल रहा है या खो गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे बड़ी ही आसानी से आपका PPO नंबर मिल सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप अपने खोए हुए PPO नंबर को कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इंटरनेट की मदद से कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसकी बाएं यानी लेफ्ट साइड में दिए गए ऑनलाइन सेवाओं या ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाकर इसमें पेंशनर्स पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिस पर आपको लेफ्ट साइड में अपना PPO नंबर जाने या नो योर PPO नंबर को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो बैंक अकाउंट नंबर आपके पेंशन फंड से लिंक है, उसे डालकर अपना PPO नंबर आप सर्च कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा पेंशनर्स अपने मेंबर आईडी या PF नंबर को भी डालकर अपना PPO नंबर सर्च कर सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट करने पर आपको PPO नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो अब आप टेंशन ना ले और PPO नंबर खोने पर इन स्टेप्स को फॉलो कर अपने 12 डिजिट के यूनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर को आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपके जानने वालों में कोई पेंशनर है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।